आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं आपकी सगी हूँ, लेकिन आप उस दुश्मन की बेटी की तरफदारी करती हैं क्यों? सुभान मुझे चाहता था, मैं अब सुभान से मोहब्बत करती हूँ, तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना? लेकिन नहीं, आप उस इबादत पर अपनी जान लुटाती फिरती है। लुटाती फिरती हूँ जान मैं इबादत पर, इसलिए क्योंकि इबादत तेरी तरह बेगैरत बेशर्म नहीं है, वो एक सड़क छाप गुंडे के लिए इस घर की इज्जत उछालती नहीं है। और एक बात और सुन ले, तू अगर इबादत के पांव भी धोकर पी ले ना, तो भी उसके जैसी नहीं बन सकती। और आज एक बात और सुन ले, गजल ने जो कुछ भी किया वो उसके साथ चला गया, उसने दूसरों की जिंदगी हराम की, इसीलिए उसका नतीजा ये था कि उसे हराम की मौत मिली। तेरे अब्बू की मौत गजल की वजह से हुई थी, उसमें इस बेचारी इबादत का कोई हाथ नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुझे, इबादत तुझ पर जान लुटाती है, तेरे लिए इतनी बार उसने बदनामी सही है, और तू अपनी उस बहन का घर उजाड़ने पर तुली हुई है। बहन नहीं है वो मेरी, इबादत मेरी अम्मी की सौतन का खून है, मेरे अब्बू की दूसरी बीवी की औलाद है वो, और वो औलाद जो धोखे और फरेब की निशानी है। उसकी माँ ने मेरी अम्मी से अब्बू को छीन लिया था, और आज वो मुझसे मेरे सुभान को छीन रही है। लेकिन अब बस, अब ये खेल इस घर में दोबारा नहीं खेला जाएगा नानी अम्मी। सुभान सिर्फ मेरा था, मेरा है, और मेरा ही रहेगा। मैं उस इबादत का साया भी सुभान की जिंदगी पर नहीं पड़ने दूंगी, समझी आप? समझने की कोशिश कर मन्नत, ये जो तेरी जिद है, ये जो तेरा जुनून है, ये सिर्फ सुभान और इबादत ही नहीं, तेरी अपनी खुद की जिंदगी भी तबाह कर देगा मन्नत। मंजूर है मुझे, सुभान के बदले तबाही मंजूर है मुझे। सुभान को पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ नानी हूँ। मन्नत मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, अपनी इन फिलोसफीज को अपने पास रखिए नानी अम्मी। अगर आपने गलती से भी मेरे मकसद के बीच आने की कोशिश की, तो कसम है मुझे मेरी अम्मी की, मैं गजल की सच्चाई सुभान को बता दूंगी। जरा सोचिए कैसा लगेगा उसे, हाँ, जब उसे पता चलेगा कि उस इबादत की माँ ने फूफी जान की कोख में सुभान को मार डालने की कोशिश की थी।